सो इंडियन यूट्यूब के सीन में भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के कंटेंट बनाते हैं, कोई व्लॉग्स बनाता है, कोई वीडियोस बनाता है, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, पर अभी भाई कुछ है ना ऐसे लोग आ रखे हैं मार्केट में जिनका काम है बहती गंगा में हाथ धोना और जिनके घर है ना दूसरों की वजह से चल रहे हैं और उनका नाम है पैरासाइट यूट्यूबर्स। इनका खुद का तो कोई कॉन्टेंट होता नहीं है, बस दूसरों के झूठन पे मुंह मारने आ जाएंगे और आजकल तो ये यूट्यूबर्स उन्हीं यूट्यूबर्स के सर पे खड़े होकर मुंह उतना शुरू कर रहे हैं। तो बस इसी के लिए भाई हमने सोचा आज इनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो भाई आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्रेजी डीप। इसके बारे में बात तो छोड़ो, इसको भाई मैं समझाने आया हूँ क्योंकि बात तो देखो बराबरी वालों से करी जाती है और ये तो सो इस डीप थ्रोट के चैनल पे भाई एक वीडियो आई थी जिसमें ये बता रहा था कि भाई एलविश यादव के ऊपर नेगेटिव पीआर हुई है या नहीं हुई। भाई ने इतनी रिसर्च करी, इतने रिपोर्ट निकाली, लास्ट में उसके रिपोर्ट का रिजल्ट आया कि भाई एलविश यादव की नेगेटिव पीआर नहीं हुई और एलविश यादव ये झूठा क्लेम कर रहे हैं। और अगर तुमको सच में समझना है ना कि भाई नेगेटिव पीआर हुई है या नहीं हुई तो इसी की इंस्टाग्राम की कुछ स्टोरी और पोस्ट उठा के देख लो पिछले दिनों की, तो तुमको समझ आ जाएगा कि सच में पीआर हुई है या फिर नहीं। और ये डीप थ्रोट फिर अपने आप को भाई ब्लंट और अनबायस्ड बोलता है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। और अभी तक हमको लगता था कि भाई नेगेटिव पीआर कराने के लिए ना सिर्फ ये मीम्स और रील्स वगैरह ही चलती हैं। बाकी इसकी वीडियो देखने के बाद समझ आया कि भाई फुल लेंथ की वीडियोस भी चल रही हैं। मतलब कोई बंदा इतना बड़ा हिपोक्रेट कैसे हो सकता है? मतलब जिस चीज को तू डिफेंड कर रहा है तू खुद ही वही चीज कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वो मीम पेजेस भाई जिन्होंने ये मीम बनाया ना उनके लिए तो फिर भी मेरे दिल में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि उनको भाई इस काम के पैसे मिल रहे हैं। पर माउंट कैनियन से भी डीप वाले क्रेजी डीप तो उन्होंने किसी के चाटने के लिए वीडियो बनाई है। इसने अपनी वीडियो में कहा कि भाई ये 8 दिन तक ऑब्जर्व करता रहा मीम पेजेस को कि सही में कोई टारगेट मीम्स बना रहा है या नहीं। अबे कितना नल्ला है भाई तू, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाके पोचा वोचा मार। और ये बार बार है ना अपनी वीडियो में स्पेसिफिकली एक ही बात बोलता है कि एलविश यादव ने बिना किसी प्रूफ के ना एलिगेशन लगा दिए किसी पे। भाई सच बताइए, देख सच बताइए, सच बताने की है, तेरे मुंह पे छाले नहीं जाते कि ना चाटने के बाद? भाई जब भी क्रेजी की मम्मी बोलते है ना कि बेटा हमारे घर में राशन खत्म हो गया तो क्रेजी उनको एक ही जवाब देता है कि मम्मी आप 2 मिनट रुको, अभी थंबनेल पे है ना एलिश भाई की फोटो लगा के आ रहा हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। भाई ऐसा कहा जाता है जैसे यूट्यूबर होता है वैसे इसकी ऑडियंस होती है और मेरे को लगता है इस डीप थ्रोट की ऑडियंस में ना वो 40 साल के अंकल है क्योंकि इसकी तरह उन अंकल के भी सपने सारे मर चुके हैं। ये वो इंसान है भाई जिसकी सलाह इसके घर वाले खुद ही लेते तो ये यूट्यूब पे आकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। ये चिलगोजा अपने आप को भाई अनबायस और ब्लंट बोलता है। मतलब ये तो वही बात हो गई, राखी सावंत आके बोल रहे कि मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस हूँ। आजकल कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ना भाई वीडियो स्किप करने का ऑप्शन आता है, पर भाई मैं चाहता हूँ यूट्यूब से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है इसकी पूरी वीडियो स्किप करने का मेरे को एक बटन दे दो और सारा डिसलाइक हेट और मारपीटी का भी बटन दो, इसको सारा घर जाके बजाओ। इसने अपने चैनल पे भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करा। मतलब भाई यार तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तू कब तक अपना मालिक बदलता रहेगा? कभी अपना करियर ऑप्शन भी तो बदल के देख। ये पागल गड्ढा बेचारा 4 साल से यूट्यूबर है, इसने 4 साल में अपना कैमरा सेटअप एडिटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग सब कुछ बदल के देख लिया ताकि अपनी बेसुरी आवाज और घटिया स्क्रिप्टिंग को कॉम्पनसेट कर सके। अब हम ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि भाई ये एक नंबर का दोगला और ट्रेंड पे सरवाइव करने वाला क्रिएटर है क्योंकि भाई कुछ चीज बोलने की नहीं होती, कुछ चीज होता है मुंह पे दो रैप। आई नो भाई इस ग्रैंड कैनियन की ऑडियंस ये वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं देख रही क्योंकि उनको आदत तो है नहीं क्वालिटी कंटेंट देखने की। अगर CIA वाले आके भी मेरे से पूछ लेना कि लक्ष्य भाई क्या एलियंस अभी मौजूद है तो मैं कहता ऑफ कोर्स ब्रदर, अगर क्रेजी डीप के भी फैंस एग्जिस्ट करते हैं ना तो भाई एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सीवर का पाइप जब भी अपने फोन से अपने बैंगन की फोटो खींचता होगा ना तो बार बार यही सोचता होगा यार ये हर बार सेल्फी कैमरा कैसे खुल जाता है। आज भी जब दूर गांव में भाई किसी का बच्चा रोता होगा ना तो उसकी माँ कहती होगी यार ये क्रेजी डीप की एक्टिंग क्यों कर रहा है। गाइज मेरे को पता नहीं कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। ओहो ये तो क्रेजी डीप का फ्यूचर था। तो भाई जो भी लोग देखो क्रेजी डीप को सुअर बोलते हैं ना भाई प्लीज मत बोलो करो यार, प्लीज मत बोलो करो यार, ऑफेंड हो जाते हैं यार सारी सुअर कम्युनिटी। अच्छा है डीप थ्रोट भाई तेरे कमरे में AC है फैन नहीं, मतलब जैसा तू काम करता है ना एक टाइम का मन में तो हर किसी के आ जाता है यार, टाइम हो गया पूरा। इस बोर होल से जब भी कोई लड़की मिलती होगी ना वो यही बोलती होगी क्रेजी यू मेक मी वेट क्योंकि सारा थूकता बहुत है ना ये बात करते टाइम।
यहाँ पे तुम्हें बस एक परफेक्ट एडवाइस की जरूरत है जो हमें 10th के बाद कोई नहीं देता, और इसीलिए तुम्हारी एज ग्रुप के लिए मैंने खुद ने अपना एक ब्रांड बनाया है, योर एनी टाइम बडी। इसको एनी टाइम बडी नहीं, नाइट टाइम बडी बोलना चाहिए, क्योंकि एडवाइस के साथ और भी बहुत सारी चीजें देता है आपको। भाई तुम्हें पता है मार्केट में ना इलेक्ट्रिक कंबल आ रहा है जो आपका बेड है ना बिल्कुल मस्त गर्म कर देता है, पर अपने लक्ष्य चौधरी भाई को तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ सो के, डीप यू आर सो डीप भैया, क्योंकि उसका कंबल तो रात को क्रेजी अपने आप ही गर्म कर देता है। भाई किसी को लगता है ये क्रेजी इंदौर में रहता है, कोई कहता है कि भाई ये भोपाल में रहता है, भाई ना वो इंदौर ना वो भोपाल, वो तो फुकरा भाई के बेडरूम में रहता है। ये बोरवेल का पाइप है ना, सब पे एक्सपोज वीडियो निकालता रहता है, सारे यूट्यूबर्स पे निकालता है, मतलब और कोई काम धंधा नहीं है क्या? और इसको लगता है कि भाई इसकी सारी बातें ना सारे यूट्यूबर्स को चुभेंगी। वो इसको ये बताओ, जितना बेसुरा है ना इसकी बातों से ज्यादा इसकी आवाज कानों में चुभती है। एक्चुअली स्क्रिप्टेड नहीं है, बस मैं 11 दिन पहले ही इंदौर शिफ्ट हो चुका था। अबे यार इसको इंदौर में आने किसने दिया? मैंने तो ये सुना था इंदौर वाले कचरा सहन नहीं करते। क्रेजी अपने गाने के नाम पे लिपसिंग वीडियो निकाल रहा है। भाई तू भूल गया क्या, तू फेमस भी ऐसी वीडियो को रोस्ट करके हुआ है? ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मैं बस चाहता हूँ कि वो मान जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट लग रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको मनाने की कि मैं अब से ये नहीं करूंगा, मैं गालियाँ नहीं दूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और भाई इस वीडियो में ना क्रेजी ने अपने लाइफ की ट्रेजिक मूवमेंट्स के बारे में बताया है, मतलब भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन हंसी मजाक से हटके गट सही है भाई, ऐसे डिस्कस करना सही किया बहन आपने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। पहली बार मुझे सोच के खुशी हुई कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है। सो भाई इस वाली एल्बम का नाम है जॉर्डन और हीर, और भाई ने ना इस एल्बम का नाम रॉकस्टार मूवी से इंस्पायर होकर रखा है। और भाई देख मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं ये मान सकता हूँ एक बारी को कि सामने वाली लड़की हीर हो सकती है, बट साला तू किस एंगल से जॉर्डन लग रहा है, मतलब तू शर्म आती है तेरे को थोड़ी सी? वैसे तो मैंने सुना है भाई इम्तियाज अली काफी शांत किस्म के इंसान है, पर भाई ये कंपैरिजन देख के तो उनके भी छो छूट रहे होंगे। भाई रॉकस्टार में ना हीर की मौत जॉर्डन की प्यार की वजह से हुई थी, पर इसकी वाली जो वीडियो थी ना उसमें जो हीर थी वो पता क्यों मरी? साढ़े इसके गाने सुन के, बेसुरा बास। भाई तुम्हें पता है कि क्रेजी डीप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि भाई वो बिल्कुल भी सेल्फ अवेयर नहीं है अपने आप को लेके, उसको लगता है वो क्रिश मूवी का ना ऋतिक रोशन है। बट भाई प्लीज उसको कोई जाके समझाओ वो कोई मिल गया का ऋतिक रोशन है, वो भी फर्स्ट हाफ का। भाई वो कहते हैं ना यू आर नॉट अगली यू आर जस्ट पुअर, पर भाई तूने तो पैसे भी कमा लिए। बट यार इस डीप थ्रोट को देख के ना जेन्युइन बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई हर किसी को अपना पैशन फॉलो नहीं करना चाहिए। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। भाई इसका कोई भी हेट फैलाने का मतलब नहीं था इस वीडियो का, इसका मतलब था बस प्यार मोहब्बत में रोस्ट करा।